सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे तेल का रिव्यू करने वाला हूँ जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर है। आप सोशल मीडिया पे जहाँ भी स्क्रॉल करोगे आपको ये कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदिवासी तेल का। सो आदिवासी जो तेल है ये दावा करती है कि ये आपको एक्चुअल में रिजल्ट देगी और आपके जो बाल चले गए हैं या बालनेस आ गए हैं या फिर गिर रहे हैं या आपकी बाल की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक कर देगी, ये दावा करती है। सो आपको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, किधर भी चले जाओ, आपको ये कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सो मैं सोचा कि मैं भी क्यों ना एक बार इसको मंगा के ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो गई थी हमको, और जिसके वजह से मैं काफ़ी स्ट्रेस में आ गया था क्योंकि इतने ज़्यादा गिर रहे थे। मैं जब भी नहाता था, शैम्पू करता था, वहाँ पे बाल आते थे मेरे हाथ में। जब भी शैम्पू करता था उस टाइम आते थे हाथ में, नीचे जा रहे थे, गिर रहे थे, तो मैं उन सब चीज़ों को देख के काफ़ी स्ट्रेस में आ गया था। मैंने बहुत सारी शैम्पू और तेल वगैरह जो भी हैं उसको मैंने ट्राई किया, बट कोई भी रिजल्ट जो है वो 100% नहीं दिया, 50% भी नहीं दिया, मतलब कि ना के बराबर है। ऑलमोस्ट जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं वो ना के बराबर ही है, उसने रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि एक बार इसको भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअल में क्या रिजल्ट देता है। तो मैंने भी सोचा कि मैं दूसरों का वीडियो देख के, बहुत सारे लोग जो वीडियो बनाकर दावा करते हैं कि आदिवासी तेल बहुत अच्छा है, आपके बाल वापस आ जाएंगे, रीग्रोथ हो जाएंगे, आपके बाल घने हो जाएंगे, जो टूट रहे हैं वो रुक जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। मैं इन सारी चीज़ों को देख के मैंने सोचा कि मैं अगर खुद ही इसको एक्सपीरियंस करूँगा, खुद ही मंगा के लगाऊंगा, तो मुझे एक्चुअल में पता चलेगा कि वाकई में ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो मैं सोचा कि मैं खुद ही मंगा लेता हूँ। सो इसके लिए मैंने मंगा लिया, और मंगाने के बाद अभी 2-3 दिन हुए मंगाए हुए, और मैं अभी 2-3 दिन से इसको यूज कर रहा हूँ, और अभी पता नहीं चलेगा इसका रिजल्ट जो भी है पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन हुआ, जब तक ये 1 महीना नहीं हो जाता है तो हमको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। तो मैं बताता हूँ कि ये मैं इस तेल की बात कर रहा हूँ जो आदिवासी है। ये देखो, ये है आदिवासी तेल जो कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जगह दिख जाएगा। तो मैं सोचा कि मैं भी क्यों ना मंगा लूँ और मैं भी इसका एक बार रियलिटी क्या है जान लूँ। सो मैंने भी मंगा लिया है, मेरे पास 2 बोतल आया है और मैं एक लगा रहा हूँ, जब एक ख़त्म हो जाएगा या फिर 1 महीना हो जाएगा तो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा आपको कि इसका रिजल्ट कितना काम किया है, कितना नहीं है, इसका रिजल्ट क्या है। सो फिलहाल मैं भी 2-3 दिन से यूज कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, आपको इसमें जो लिखा हुआ है कैसे यूज करते हैं, इसमें लिखा हुआ है स्काल्प के ऊपर जेंटली मसाज करना है और एटलीस्ट 3 से 4 घंटा आपको रखना है, उसके बाद आप धो लो, शैम्पू कर लो, 3 से 4 घंटा लिखा हुआ है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं रात को लगाता हूँ सोने के टाइम और सुबह उठ के धो लेता हूँ इसको, तो ओवरनाइट रखता हूँ मैं, तो मुझे लगता है 3-4 घंटा से ज़्यादा होता है, 6-7 घंटा होता है, तो ठीक है चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है रात को रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा, ऐसे 3-4 घंटा लिखा हुआ है, बट मैं ओवरनाइट रखता हूँ, मतलब 11 बजे रात को या कभी 11:30 कभी 12 बजे ऐसे लगाता हूँ, और जो भी है 6-7-8 बजे तक मैं उसको नहा लेता हूँ, धो लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। फिलहाल तो मैं भी 2-3 दिन से यूज कर रहा हूँ और ये इतना पॉपुलर है कि आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो मैं देख देख के मैं सिर्फ सोच रहा था मंगाऊँ नहीं मंगाऊँ, मंगाऊँ या नहीं मंगाऊँ, काम करेगा कि नहीं करेगा, या फिर ऐसे फेंक है क्या है, तो मैं सोच रहा था मंगाऊँ या नहीं मंगाऊँ। सर वीडियो में लोग दावा करते हैं इसको, वीडियो में मैंने देखा था कि आपके बाल आ जाएंगे, आपके बाल रीग्रोथ हो जाएंगे, मतलब कि घने हो जाएंगे। मैं सोचा मैं खुद ही मंगा लेता हूँ, तो मैंने मंगा लिया। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई भी तेल लगाओ, अगर आपके बाल में समस्या है, बाल गिर रहे हैं, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो आप जो है बाल आपके बड़े हैं, ठीक है बड़े हैं तो अच्छा है, बट आपको जो तेल है ना, ये शैम्पू है, तेल है, जो भी लगाते हो, आपको स्काल्प के ऊपर लगाना है, मतलब स्काल्प के ऊपर लगना चाहिए ताकि सही से नरिश हो और आप जेंटली उसको मसाज कर पाओ, और जो फिंगर है आपके स्काल्प में टच होना चाहिए। क्योंकि मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज किया हूँ अभी तक, तो मेरे जो बाल थे वो बड़े रखते थे, मैंने कभी निकाला नहीं बाल, ये पूरी 100% नहीं निकाला था। जैसे कि मैं इस वक्त निकाल सकता हूँ, आपको दिखाता हूँ मेरा बाल अभी क्या है स्थिति बाल का, देख सकते हो आप। तो मैंने अभी पूरा
निकाल दिया है। तो मैं जितना भी प्रोडक्ट यूज कर रहा था वो बाल थे मेरे, इतने बड़े बड़े बाल थे तो मैं लगाता था, वो बाल जो है ऊपर ऊपर आता था। मुझे लगता है ऐसा कोई मतलब नहीं है, कोई लगा के कोई भी तेल लगा लो, कोई भी शैम्पू लगा लो, कुछ काम करने वाला नहीं है। जब तक आपके स्काल्प के ऊपर ये तेल या शैम्पू नहीं जाएगा, कोई भी तेल लगाओगे स्काल्प के ऊपर नहीं जाएगा, वो ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा सब जब अंदर तक, तो कोई मतलब नहीं लगा के, वो काम ही नहीं करेगा। तो मैंने सोचा मैं निकाल ही देता हूँ, तो मैंने जो है पूरा बाल निकाल दिया और अभी ये लगा रहा हूँ। मैं रात को लगाता हूँ, ओवरनाइट रखता हूँ, सुबह धो लेता हूँ। अगर आपके बाल भी बड़े हैं तो आप लगा तो सकते हो, लगाओ, प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या होगा कि ऊपर ऊपर लगेंगे, आप थोड़ा बहुत तो अंदर अंदर डालोगे बट सही से नहीं हो पाता है, मुझे पता है, मैंने भी ट्राई किया है। तो आप बाल नहीं निकालना चाहते हो, प्रॉब्लम नहीं है, आप मत निकालो, लेकिन सही से स्काल्प के ऊपर अंदर डालो, उसको 5-10 मिनट मसाज करो, उसके बाद छोड़ दो। आपको लगता है कि हमको बाल निकालने में कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं निकाल सकता हूँ, तो आप निकाल भी सकते हो, ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा आपको, क्योंकि वो पूरी तरह से स्काल्प खाली रहता है। जितने भी डैंड्रफ वगैरह होते हैं, फंगस वगैरह होते हैं, वो सारे निकल जाएंगे। तो मैं क्या कि मैंने सैलून में गया और मैंने बोला भाई मेरा बाल पूरा निकाल दे, तो मेरा बाल उसने पूरा निकाल दिया। और मैंने हेयर स्पा भी कराया, तो हेयर स्पा में क्या होता है आपका, और जब आपको वो हेयर स्पा करेगा तो जितने भी बाल के ऊपर आपके डैंड्रफ है और फंगस है, जो भी मतलब कि उस स्काल्प के ऊपर जमा हुआ रहता है, वो सारा निकल जाता है। सो इसके लिए मैंने बाल निकाल दिया है। तो अभी ये बाल निकालने के बाद मैं इसको लगाऊंगा तो बेटर रिजल्ट देगा, मुझे ऐसा लगता है। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका रिजल्ट क्या है। फिलहाल मैं 2-3 दिन से यूज कर रहा हूँ, तो मैं भी काफ़ी बड़ा बड़ा बाल लगता था, सोचता था, मैंने काफ़ी सोचा बाल निकालने से पहले कि हाँ बाल निकालूँ नहीं निकालूँ, काफ़ी टेंशन हो गई थी। मैंने सोचा कुछ नहीं सोचते हैं, निकाल देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैंने निकाल दिया और मैंने अपना ये तेल मंगा लिया, देख सकते हो आप। तो ये है हमारा तेल और इसको मैं यूज करने वाला हूँ। सो देखते हैं कैसा रिजल्ट देता है और मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में कि इसका रिजल्ट कैसा है और मेरे जो बाल हैं। मेरी एक्चुअली समस्या थी डैंड्रफ की, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गई थी, तो मुझे लगता है उस वजह से मेरे गिर रहे थे बाल, और थोड़ा वीकनेस वगैरह, प्रोटीन वगैरह, ऐसा कुछ मतलब कि हर कोई इतना डाइट ले नहीं पाता है, तो न्यूट्रिशन का भी थोड़ा समस्या हो सकता है। न्यूट्रिशन की वजह से आपका न्यूट्रिशन की कमी रहेगी बॉडी में, जाहिर सी बात है बाल गिरेगी। सो वो भी है एक समस्या। सो लेट्स सी, देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आपको बताएंगे कि कैसा है इसका, मैं बताता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। सो फिलहाल के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।